कर नहीं मिल रहा फ़ोन का, उसकी मुझे टेंशन है। ऊपर से मैं भी छुट्टी के टाइम पे बाहर निकल आया हूँ, दिमाग पता नहीं ख़राब है। आज पहला दिन था मोटो व्लॉगिंग का शहर के अंदर, और सबसे पहले एक ख़ार से मुअज़्ज़ज़ मोहतरमा साहिबा जो है वो बाइक को ठोक के चली गई हैं। मैं बाइक देखने लगा हूँ क्या बना है, इधर लगी है, बचत हो गई है। और उसने इस तरह गाड़ी भगाई है ना, वैगनार में थी वो, जैसे चोर नहीं भाग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। बहुत देर बाद ना आज मैं मोटो व्लॉग मैंने पहले किया था जब मैं ट्रैवलिंग टूर पे गया था मियांवाली के पास। एक बड़ी मज़े की मुझे वर्कशॉप मिली थी, और वो मैंने कहा यार इसके ऊपर तो ऐसी वीडियो बनानी बनती है। एक तो यार मेरे ये कैमरे का जो केज है ना जो इसके अंदर लगता है, क्योंकि मैं मीडियम मोड पे नहीं चलाता इसको, उसका फ्रंट का जो कवर है ना जो कवर करता है इसको कैमरे को, वो नहीं मिल रहा। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कौन सा है, वो पता नहीं आ तो मैं किसी शोरूम पे गलती से भूल गया हूँ। वैसे इस तरह के मामले में अपनी चीज़ों को काफ़ी संभाल के रखता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बना है। बहरहाल वो मैंने कॉल भी की है वहाँ पे जहाँ लास्ट मैंने गोप्रो से वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने चेक किया भी, वो कह रहे हैं कि नज़र तो नहीं आया, अगर हुआ तो बता देंगे, नहीं तो फिर अपने भाई को फिर 1500 से 2000 की किल्ली ठुक जाएगी, क्योंकि अब छोटी सी लापरवाही की वजह से हम अपने कैमरे का नुकसान तो कर नहीं सकते। बहरहाल मोटो व्लॉगिंग का मज़ा आता है यार, आप सब लोगों को साथ लेके आपसे बातें करके जाना। लोग तो यही सोचते हैं पागल होया है, पता नहीं कितना गल्ला कर रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों को साथ में दिखाना। तो अब जो भी वर्कशॉप वगैरह होती हैं वो 11-12 बजे खुलती हैं, और मेरा प्रॉब्लम है मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, काफ़ी जल्दी उठ जाता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए भी। तो जॉब अब मैं नहीं कर रहा, तो उसकी भी कभी रीज़न आपको बताऊंगा। ये केज है जी, ये नहीं मिल रहा, दिन ख़राब हो तो ऐसे ही होता है। तो अभी मैंने चेक तो किया, गिरता तो कोई नहीं कैमरा, क्योंकि इसके साथ अटैच है, तो देखते हैं अब अल्लाह खैर सलाह अच्छा ही हो। ऐसे ही मतलब जिस तरह ट्रैफिक है, वहाँ से मैं यू टर्न ले रहा था तो पीछे तो एक खैर से मैडम आई हैं, और उन्होंने नहीं देखा कि जी मैं मुड़ रहा हूँ इस तरफ को, मैंने यू टर्न लेना है। बीबी ने अपनी वैगनार छील ली और मैंने ब्रेक लगा दी, उसने ब्रेक ही नहीं लगाई। वो मतलब अगर मैं सेंटर में होता ना तो समझ लो कि मैंने गाड़ी के नीचे होना था। वो बीबी ने उसके ऊपर चढ़ा दी बाइक के, और वो इतनी खैर से उसको लगा जैसे पता नहीं मैं भाग जाऊँगी। तो मैं कहा चलो छोड़ो, मेरा कोई नहीं नुकसान नहीं हुआ, अपनी गाड़ी का नुकसान करके गई। मुझे था बाइक का जो पीछे मडगार्ड है ना वो ना बेंड हो गया, और उसने उसको इस तरह भगाया भी इतने रश में तुम कितना भाग लोगे। खैर मैं कहा चलो इग्नोर करो, दफा मारो, और उसने ब्रेक ही नहीं लगाई। मतलब उसको मर जाता, थले आ जाता, लत टूट जाती, कोई मसला नहीं, लेकिन उसने सीधा ही जाना था। शुक्र है यहाँ पर खाली रोड आया, थोड़ा सा सुकून हुआ, अंडरपास बना हुआ तो वहाँ से आराम से जाएंगे, क्योंकि रोड यहाँ पे काफ़ी खुला है। एड्रेस वगैरह मैं आपको बता दूंगा ये कहाँ पे है, फैसलाबाद में रीच आउट करना चाहें तो वो आ जाएं। यार मेरी बार बार ना इंसल्ट हो रही है, मेरे पास से 70 वाले इतनी तेज़ी से गुजर रहे हैं ना, मैं कह यार ये तो बिस्ती वाली बात है। हाय फिर ट्रैफिक जैम, क्या मसला है यार, जहाँ जा रहा हूँ ट्रैफिक जैम ट्रैफिक जैम। असल में ना जिसका अभी ये देखें, ये इसने कहाँ गाड़ी खड़ी की हुई है, बेचारे ने गाड़ी मोड़नी, और यहाँ पे मैंने बड़ी अनमोल मोल सी गाड़ियाँ देखी हैं। ले जी मैं पहुँच गया हूँ, ये वर्कशॉप है, तो आज ना बिस्मिल्लाह करके आपको यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन ले कर देता हूँ। अच्छा पहले डैमेज थी गाड़ी, और इसके अंदर इन्होंने ये देखो अभी तो ये सारी कबाड़ा हुआ हुआ है, मैंने माइक नहीं उतारा, ये देखें ये सारा सनरूफ जो है इसका इंस्टॉल कर रहे हैं, और ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी थी, यही मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ, जिनकी सारी मेहनत है। अच्छा कितना टाइम लग जाता है गाड़ी में, ये पूरी मुकम्मल गाड़ी तैयार करने के लिए कोई महीना लगता है? महीना एक लग जाता है डेंटिंग का। हर गाड़ी में लग जाएगा सनरूफ? हर गाड़ी का नहीं, जिसका ओरिजिनल आता है सनरूफ उसको ही लगाते हैं। अच्छा मतलब मैरान मैरून वाला सीन नहीं है? नहीं नहीं, मेरा प्लान था इसके कपड़े का मसला होता है। अच्छा अंदर से फिनिशिंग लेनी पड़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा, और इसके अलावा कौन सी ये गाड़ी खड़ी है इसके लिए? ये वाली हाँ। इंडस, ये इंडस है।
अच्छा, इसका सनरूफ जापान से मंगवाते हैं? इसका जापान से आता है सनरूफ। अच्छा ठीक है, और इसमें एक और भी इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये विड्स का है, ये 2000 मॉडल है विड्स है। अच्छा अच्छा ठीक है हाँ, और इसको 2003 का जापान में आया है। अच्छा, जापान से मंगवाते हैं तो ये कितना खर्चा आ जाता है अगर आज की डेट में बात करें? हम लोग अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर गुजर गया, आज की डेट में बात करें तो ये जो सनरूफ वाली छत है ना, ये 1,20,000। ये हर गाड़ी का मुख्तलिफ है या एक ही रेट है? नहीं नहीं, मुख्तलिफ है। पता नहीं होता कि 10,000 नीचे हो जाता है, 5,000, ये चांस की बात होती है। अच्छा अच्छा, इसके अलावा मैंने देखा आप लोग इधर बोनट भी तैयार कर रहे हैं गाड़ियों के। ये स्पोर्ट्स के लिए। अच्छा, स्पोर्ट्स किट के लिए। अच्छा, तो ये इस पे कितना टाइम लगता है बोनट के ऊपर? इसके ऊपर 15 दिन। 15 दिन, तो ये किस कितनी मतलब चादरें इस पे? एक ही चादर से बन जाता है ये? एक नहीं, ये दो बोनट होते हैं, उसका एक बोनट होता है। अच्छा, चादर वगैरह नहीं इस्तेमाल करते इसमें? नहीं। तो इसका अगर डिज़ाइन आप कह रहे हैं कि हर एक गाड़ी का तैयार हो जाता है आपकी? नहीं, ये हर गाड़ी का तैयार नहीं होता, ये इंडस का तैयार हो रहा है। अच्छा, इंडस का ही तैयार होगा। वो ये होता है कि कोई बोनट लेके उसके ऊपर अल्टरेशन करनी पड़ती है। अच्छा, उसकी अल्टरेशन आप कर लेते हैं। अच्छा जी, ये इसका भी सनरूफ लग रहा है, इसके अलावा डेंटिंग पेंटिंग का कर रहे हैं, वो वहाँ पे उठ पड़ा है। ठीक है, अब तो सिविक रोला में तो चलो आ जाता है, वो तो पाकिस्तान का भी लग सकता है। वो पाकिस्तानी का लग जाता है, जैसे कि वो सादी सिविक होती है, ओरियल को आता है। नहीं, अगर GLI कोई बंदा लेके आए उसको मतलब लगा देंगे आप? क्योंकि वो गारंटी का लग जाता है। अभी हमने 6 मॉडल करोला में भी इंस्टॉल किए। अच्छा अच्छा, वो एक्स में आता है। हाँ, ऐसे ही है। एक चीज़ की दाद देनी पड़ेगी वर्कशॉप के ना इन बंदों से मिलके, यार ये लोग सारा काम हाथों से करते हैं, मतलब वो कोई लेज़र कट नहीं है। अभी वो ना वीडियो मैंने उसको कहा है कि जब आपके पास गाड़ी आएगी ना हार्ड टॉप वाली और उसको जब आप काटोगे, कटाई करते हो, तो वो तब मुझे बुलाना, मैं आपको तब वो वीडियो जो है ना वो भी इंशाल्लाह आपके लिए मैं लेके आऊँगा। आप मेरा तो यार बड़ा प्लान था मेहरान के अंदर ना सनरूफ लगवा लूँ, तो इस तरह की सादे वाली मॉडिफिकेशन जो है ना ये मैं करवाना चाह रहा था। यहाँ पर फैसलाबाद में ना ये बड़ा प्रॉब्लम है। लो जी, MG के शोरूम पर पहुँच गए, इन्होंने ना लॉन्च की है MG HS। ये लोकल असम्बल वाली अंदर वेरिएंट खड़े हैं, तो 2 साल बाद इनको याद आ गया कि हमने लोकल गाड़ी बनानी है। तो अब जाके इनका था, असल में इनका एक प्रॉब्लम भी चल रहा था, इनका लाइसेंस का इशू था CKD किट्स का। एसिक अकॉर्ड वाले चाचे ने ना हॉर्न बजा बजा के मेरा दिमाग खा लिया, पता नहीं नया लगवाया है। इतना इस बंदे ने हॉर्न बजाया छोटी गाड़ी, अभी भी देख लो वही हाल है, मुझे लगता है इसने ना गाड़ी नई नई सीखी है। लो जी, मछली बाजार गाड़ियों का हॉकी स्टेडियम। वैसे ना यहाँ से एक पाकिस्तान का बहुत ही मशहूर यूट्यूबर जो है ना, वो भी यहाँ पे अपना उसका ऑफिस होता था, अगर किसी को पता है तो लाजमी मुझे वीडियो में बताए। अभी इस वक्त 2 बज रहे हैं और हॉकी स्टेडियम बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप ना बहुत ही सुबह सुबह आ गए हैं। असल में इन लोगों का सारे काम जितने भी होते हैं ना वो स्टार्ट होते हैं 2-3 बजे के करीब, क्योंकि गाड़ियाँ अगर कोई देखने भी आता है तो वो मोस्टली शाम के टाइम ही आते हैं, या दोपहर को भी आए तो ना होने के बराबर 3-4 बजे के बाद ही आते हैं। यहाँ पे ना ये देखें ज़रा, ये ट्रफ बिछाया जा रहा है। ये थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उस वक्त ये पहले तो इसका ये काम हो रहा था, सीमेंट वगैरह बिछाया हुआ था इन्होंने। तो ये हॉकी स्टेडियम का जो पूरा एक वाया है, यहाँ पर किसी ज़माने में घास लगा होता था, तो अब ये इसको ट्रफ को बिछा रहे हैं। इधर ट्रक से एक दिन खड़े थे यहाँ पर, तो वो रोल पड़े हुए हैं ना सामने, वो रोल और ये सारा अब इसको ट्रफ बिछा रहे हैं। ये नहीं समझ आ रहा कि मेन स्टेडियम जो है उसको छोड़ के तो ये वहाँ पे ये काम क्यों कर रहे हैं। अभी मैं एक उमर के लिए वीडियो शूट करने लगा हूँ। उमर जो है जहाँबाज के छोटे भाई हैं, ये एल्सविन है जी, खूबसूरत गाड़ी है, वाकई खूबसूरत है। तो इसके लिए मैं अभी एक बिहाइंड द सीन समझ लें कि मैं एक वीडियो शूट करने लगा हूँ। अभी बाज़ार जा रहे हैं कुछ सामान के लिए, जहाँबाज आ गए हैं, थोड़ा लेट हो गए, आज मैं इनसे पहले आ गया था शोरूम पे। अगर आज वो काम ना होते तो वो फिर मंडे वाले दिन जाके होंगे। लोग जा रहे हैं सर्फ पे शॉपिंग करने, और सर्फ पे शॉपिंग करने का सीन ये होता है कि सर्फ पे जब भी आप जाते हैं ना तो आपको जो सामान लेना ना उसके साथ आप हर सामान के साथ 100-200 रुपए ऐड करें, क्योंकि पेट्रोल भी उतना ही ज्यादा लगता है। लेकिन ये काफी दिनों से यहाँ पे खड़ी थी, तो इसलिए इन्होंने कहा कि चला आज इसको निकाल लें। थोड़ी ग्रोसरी की शॉपिंग स्टार्ट करने लगे हैं, तो वो अपनी लिस्ट ले रहा है, मैं ये टोकरी लेकर निकला हूँ। नया नया एक्सरसाइज का भूत चढ़ा होता है ना, तो तब ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या होती है एक्सरसाइज का जब भूत चढ़ा होता है ना बंदे के ऊपर, तो अभी डंबल शंबल बैट और पता नहीं क्या कुछ देखा जा रहा है इधर से, सारी एक दिन में कसरत करके ना मैंने फिट हो जाना है। लेकिन असल में ना ऐसा कोई भी सीन होता नहीं है, जो चीज़ बनने में खूबसूरत लगती है दिखने में ऐसी लगती है।
टाइगर ब्राउन, श्रिम्स रेट भी लिखे हुए हैं, टाइगर ब्राउन 2700, फिलेट फ्रेश वाइट डंडा, डंडा लिखा डंडा भैया, फिश खाएंगे, फिश खाएंगे, डंडा लिखा डंडा लिखा, डंडिया 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 होती है बड़े ब्राउन, ये दे दुनिया खाती है, नहीं मुझे, मैंने भी एक बार खाए थे, मुझे अच्छे लगे थे, होते वैसे मजे के है ना, पर ठीक है कर दो, होते वैसे मजे के। बड़ी गाड़ी के जो फ़ायदे हैं ना वो आपको दिखाने लगा हूँ। अब ये सामान है 2 महीने का लग रहा है, 5 सीटर हाइलक्स सर्फ के ऊपर ये कितनी सारी चीज़ें जो हैं ये आ चुकी हैं, आटा है यहाँ पे, ये गोश्त है, मतलब बहुत सारा सामान है, सारा देखे भरा पड़ा है पूरी गाड़ी में, कहीं भी आप देख लेना सारी गाड़ी जो है ये भरी पड़ी है। ये फ़ायदा होता है बड़ी गाड़ी का, वैसे तो ये मेहरान के अंदर भी सामान आ जाता है लेकिन इसके अंदर चलो आपको सेपरेट मिल जाता है, मेहरान की जो सेंटर वाली सीट है उसमें सारी जगह आपको मिल जाती है। ले जी, आज का सारा दिन जो है वो आज मैंने कैमरे पर रिकॉर्ड कर दिया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि दिन ब दिन बेहतर होता जाएगा। ये एक मोटरसाइकिल मेरी में बीमारी है इसके अंदर, ये है कि ये जब ठंडी होती है ना इसको काफ़ी देर तक ना स्टार्ट रखना पड़ता है, एक दफ़ा इस तरह होता है ये बंद हो जाती है, मतलब कोई स्पीड ब्रेकर आ रहा है ना तो मैंने मतलब अब ब्रेक लगाई है क्लच दबाया तो इसने बंद हो जाना, तो सर्दियों में करती है पता नहीं है ऐसा कौन सा, अभी ये देखिए झटका ले रही है, तो ये झटका जो है ना ये गुस्सा बड़ा चढ़ाता है, पता नहीं कौन सा डीजल इंजन इसके अंदर लगा हुआ है। ले जी, घर पहुंच गया हूँ और थोड़ी सांस चढ़ गई है, जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और 8 से ऊपर का टाइम हो गया, तो आज सारा दिन छोटी छोटी चीज़ें जो है वो कर रहा था, साथ साथ आपको भी वो चीज़ें बता रहा था, और मज़ा आया, नई चीज़ करने को मिली है, और इंशाल्लाह और आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ जो है लेके हूँ बाइक का, गाड़ियों का और ऐसी व्लॉगिंग जो है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।